नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो कर्मचारियों को मानदेय और एरियर मिल चुका है, क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो खुशखबरी, मानदेय बड़ा एरियर भी मिला, 2200 से अधिक शिक्षकों को फायदा। दिवाली से पूर्व धनतेरस के पावन अवसर पर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रदेश में सेवारत व्यावसायिक समन्वयकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। समग्र शिक्षा ने वोकेशनल ट्रेनर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है, साथ ही उन्हें 6 महीने का एरियर जारी कर दिया गया है। इससे 2200 से अधिक शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा। सभी को नवंबर महीने में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके लिए सभी वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने सरकार व परियोजना निदेशक राजेश शर्मा का आभार व्यक्त किया है। विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स को नवंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, जबकि 6 महीने का मानदेय एरियर के तौर पर दिया जाएगा। इस दौरान मातृत्व अवकाश का लाभ लेने वाली महिला वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स को भी बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। वहीं समग्र शिक्षा के तहत नियुक्त सभी वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने मानदेय बढ़ाने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, राज्य परियोजना निदेशक IFS अधिकारी राजेश शर्मा और नोडल अधिकारी दिनेश टेटा और समस्त वोकेशनल टीम का धन्यवाद किया। बीते करीब 10 वर्षों से वोकेशनल कोऑर्डिनेटर मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत 17 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से करीब 1274 विद्यालयों में यह योजना चलाई जा रही है। इस कार्य के लिए विद्यालयों में करीब 2200 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। तो ये रही बड़ी खबर कि समग्र शिक्षा ने वोकेशनल ट्रेनर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की है, साथ ही उन्हें 6 महीने का एरियर जारी कर दिया गया है। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।